हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सो वो क्या होती है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज। सो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है आज वो हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जिसकी हेल्प से, जिसके मीन्स से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हमारी लैंग्वेज होती है। वी यूज़ अ नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश और हिंदी टू कम्युनिकेट आर आइडियाज़ एंड इमोशंस टू ईच अदर। कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, किसी और से कम्युनिकेट करते हैं, सो उसके लिए हम जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या फिर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, उसका हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर भी किसी लैंग्वेज का यूज करता है ताकि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके, जो यूजर है उससे कम्युनिकेट कर सके। और जो हमारा प्रोग्रामर है, जिस लैंग्वेज को यूज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज। अ लैंग्वेज एक्सेप्टेबल टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो हम बोल रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिस पे वो वर्क करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन सच लैंग्वेज फॉर इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग। और जब हम उस लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, जिस पे कंप्यूटर वर्क करता है, जब हम उस लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। सो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उस पे वर्क करता है और उसी की हेल्प से हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से जब हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। All computer language are broadly classified into three categories. कि हमारी main तीन categories क्या है computer language की, machine language, assembly language and high level language. Other than these three languages, there are also two more languages which are popularly known as decision making statement and problem solving language. So हम one by one discuss करेंगे। First है machine language. Machine language हमारी first generation of language है computer की, यानी कि जब हमारे computer introduce हुए थे तो वो सिर्फ एक ही language को understand करते थे, वो क्या है, हमारी machine language. Although computer can be programmed to understand many different computer languages, every computer understand only one language without any translation program. कि हमारे जो computers हैं, अगर आज हम देखें तो technology इतनी डेवलप हो चुकी है, इतने हमारे पास मीन्स हैं कि कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को समझ सकता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल सुने होंगे, C++, C+, जावा, ये सब क्या है, हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। लेकिन जब हमारे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे, वो थी हमारी मशीन लैंग्वेज। और जो आज हमें, हमने नई नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रखी है जिन्हें हम यूज करते हैं, उनके लिए हमें ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ता है। यानी कि बिना ट्रांसलेशन के कंप्यूटर एक ही अंडरस्टैंड करता है, एक ही लैंग्वेज को समझता है, वो है हमारी मशीन लैंग्वेज। अगर हमें किसी और लैंग्वेज पे, कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो सबसे पहले हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर उस पे वर्क करेगा। सो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, अगर हम और किसी कंप्यूटर लैंग्वेज पे वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ता है, जो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा एंड देन कंप्यूटर उस पे वर्क करेगा। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के समझता है, यानी कि कंप्यूटर की मेन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। द मशीन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज इन बाइनरी फॉर्म। कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। और ये बाइनरी फॉर्म में ही लिखी जाती है। जितना भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितना भी हमारा डाटा होगा, वो सारा जीरो और वन की फॉर्म में होगा, और कोई डिजिट और कोई अल्फाबेट उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता। ए मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस नॉर्मली हैज टू पार्ट्स, फॉर्मेट दैट इज ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड। यानी कि हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है, उसके फॉर्मेट टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हम मशीन लैंग्वेज लिखेंगे उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड डिफाइन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करनी है। एंड ऑपरेंड डिफाइन करता है कि जब हम वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेंगे, उन्हें कहाँ सेव करना है, कैसे मॉडिफाई करना है। सो जो हमारी मशीन लैंग्वेज है, वो अपने डाटा को या फिर अपने फॉर्मेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऑपरेशन कोड जो हमारा इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, और उसे
कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे स्टोर करना है, वो ऑपरेंड के अंदर डिफाइंड होता है. ऑपरेशन कोड डिफाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेंड टेल दैट वेयर टू एंड स्टोर द मैनिपुलेटेड डाटा. सो ये हमारा हो गया मशीन लैंग्वेज की. मशीन लैंग्वेज क्या है? जो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, सबसे पहले यही लैंग्वेज यूज की जाती थी. जब हमारे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए तो हमने मशीन लैंग्वेज को ही यूज किया था. और मशीन लैंग्वेज इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के समझता है. अगर हम और कोई लैंग्वेज भी यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन का यूज करके पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके. और जो मशीन लैंग्वेज है वो किस फॉर्म में होती है? जीरो और वन, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होती है. द ऑपरेशंस कैन बी, जो हमने देखा कि वो दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट क्या था हमारा ऑपरेशन कोड, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो वो इंस्ट्रक्शन कैसी हो सकती हैं? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैथमेटिकल आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं. लॉजिकल, यानी कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब आपने दिया. या डाटा मूवमेंट की, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में भेजने की आपने इंस्ट्रक्शन दी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं. ये सारी इंस्ट्रक्शंस अंदर इंक्लूड होती हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. अब मशीन लैंग्वेज में ऐसी क्या कमियां थी? देखो, उसमें कुछ बेनिफिट्स भी थे कि हम इजीली हमारा कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता था. उसमें हमारी कॉस्ट कम आती थी क्योंकि हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती थी, टाइम भी सेव होता था. बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थी, तभी हमारी सेकंड जनरेशन और नई जो लैंग्वेजेस हैं वो इंट्रोड्यूस की गई. तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज मशीन डिपेंडेंट, कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है. जितने भी हमारे कंप्यूटर हैं उसमें वो वेराई करती थी, मशीन के ऊपर डिपेंड करती थी. हम कैसी मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसी मशीन है, मींस हर एक में कंप्यूटर की थोड़ी फंक्शनिंग अलग होती है, उसका इंटीरियर अलग होता है. तो उसके बेस पे वो थोड़ी वेराई करती थी. उसकी जो फॉर्मेटिंग थी, यानी कि जीरो और वन की जो कपल्स होते थे, यानी कि जो बनाए जाते थे कॉम्बिनेशन, वो वेराई करते थे. देन डिफिकल्ट टू प्रोग्राम. ऑब्वियसली अगर आपको सारा डाटा 0-1 की फॉर्म में लिखना है तो कितना डिफिकल्ट होगा इसे प्रोग्राम करना, उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते. अगर आपके सामने सारा डाटा जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में आ जाए तो वो तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. और उसे बनाना, उसे उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसमें इंस्ट्रक्शंस डालना 0-1 की फॉर्म में, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था. एरर प्रोन, क्योंकि सिर्फ 0 और 1 को ही हमें यूज करना था तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि हमारे से एरर हो जाए, क्योंकि हम कहीं पे अगर हमने 1 की जगह 0 डाल दिया तो वो कंप्लीट फॉर्मेट चेंज कर देता था. डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, अगर हमें उसे मॉडिफाई करना है तो हमें सारे डाटा को रीचेक करना पड़ेगा और फिर उसमें हमें चेंजेस जो करने हैं वो करने होते थे. तो टाइम कंज्यूमिंग मॉडिफिकेशंस उसमें होती थी. और यही उसकी एक और डिसएडवांटेज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग थी, क्योंकि हमें सारे डाटा को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए 0-1 की फॉर्म में बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना पड़ता था, क्योंकि छोटी सी गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती थी. देन सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज के बाद जो नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, जिसने कुछ ओवरकम की कुछ डिसएडवांटेजेस हमारी मशीन लैंग्वेज की, वो है हमारी असेंबली लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एंड एरर प्रोन बिकॉज ऑफ न्यूमेरिक कोड, कि बिकॉज बाइनरी नंबर पे हम वर्क करते थे, 0 और 1 पे ही वर्क करते थे, इसीलिए हमारी मशीन लैंग्वेज एरर प्रोन भी थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी. इसीलिए हमने असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसने इस चीज को ओवरकम किया, इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग introduced in 1952, it helped in overcoming the limitations of machine language. यानी कि ये 1952 में introduce की गई और इसने क्या क्या overcome किया? इसने alpha numeric code use करने शुरू कर दिए instead of numeric code. कि सिर्फ हम numeric code यानी कि 0 और 1 में deal नहीं करते थे, हमने alphabets का use करना शुरू कर दिया, numericals यानी कि other numbers का भी use करना शुरू कर दिया. So हम alpha numeric code लिख सकते थे, हमें सिर्फ 0 और 1 में data को convert करने की जरूरत नहीं थी. By providing additional instructions, इसमें आपको एक facility प्रोवाइड की गई, वो क्या थी? आप एक बार आपने एग्जीक्यूशन कर दिया, उसके बाद भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप इजी मॉडिफिकेशन कर सकते हो. इट एड्रेस, यानी कि जो भी हम एड्रेस करते थे, जो भी हमें लिखना होता है कि हमारा एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, या फिर स्टोरेज, हमें कौन सा डाटा कहाँ स्टोर करना है, तो उन सब चीजों के एड्रेस के लिए स्टोरेज का जो एड्रेस है, कंप्यूटर का जो एड्रेस है, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में ना होने की बजाय अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिख सकते थे, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई असेंबली लैंग्वेज में. अब जब मैं आपको मशीन लैंग्वेज बता रही थी, तभी मैंने आपको बताया था सिर्फ मशीन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. अगर हम किसी भी और लैंग्वेज पे काम करेंगे सो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन की जरूरत होगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी. सो सिमिलरली जो असेंबली लैंग्वेज है उसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इसीलिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? असेंबलर.
A computer can directly execute only machine language program that use number of representing instruction and storage location. कि computer directly सिर्फ और सिर्फ machine language जो होती है उसे execute करता है जिसमें हम numbers यानी कि 0 और 1 की form में जो होती हैं. इसीलिए assembly language program है उसे सबसे पहले हमें किसमें convert करना होता है, equivalent machine language यानी कि जो भी instruction आपने assembly language में लिखी है उसे machine language में convert करना होता है और then हमारा क्या computer उस पर work करता है. So वो convert करने का काम कौन करता है, assembly. एक डिवाइस है असेंबलर जो हमारी असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है ताकि वो हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में. This translation is done with the help of translation program called assembler, which is system software that translate assembly language into machine language. कि assembler की help से हम assembly language को machine language में change करते हैं. अब इसके क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं? इसने overcome की हैं disadvantages of machine language. So वही इसके advantages हो जाएंगी कि ये easy to understand and use है. हम इसे easily use कर सकते हैं क्योंकि हम alphanumeric का use करेंगे. Easy to locate and correct error. क्योंकि हमारे पास alphanumeric है तो हम easily locate कर सकते हैं. सारा data 0-1 की form में नहीं है, हमारा डाटा थोड़ा डिफरेंशिएट करेगा, हम उसे आइडेंटिफाई इजीली कर सकेंगे तो हम अपने एरर को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है कि ये इजी टू मॉडिफाई है यानी कि हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है तो हमें जो लोकेट करना होता है हम अच्छे से लोकेट करते हैं. अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं. इजीली रिलोकेटेड क्योंकि हम एडिशनल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोवाइड कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो हमें वो प्रोवाइड करते हैं एक फैसिलिटी कि हम दोबारा रिलोकेट उसे कर सकते हैं. हमारा जो एड्रेस होता है स्टोरेज होती है वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर में होता है तो हम उसे रिलोकेट अच्छे से कर सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज कि हम मशीन लैंग्वेज का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि हम अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि हम न्यूमेरिक को भी यूज कर रहे हैं और अल्फा को भी यूज कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है कि जो मशीन लैंग्वेज की एफिशिएंसी है उसे भी यूज करते हैं, उसका भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हम अल्फाबेट्स का भी यूज करने लग गए हैं. डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तभी हमारी और नई लैंग्वेजेस आई. तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस क्या थी कि ये अब भी मशीन डिपेंडेंट है. हमारी मशीन लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट थी और असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट ही होती है यानी कि वो मशीन के साथ वेरी करती हैं. नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड. जब भी आप असेंबली लैंग्वेज को यूज करना चाहते हो, जो भी यूजर असेंबली लैंग्वेज यूज करना चाहता है तो ये एक मैंडेटरी चीज है कि आपको हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए तभी आप असेंबली लैंग्वेज को यूज कर सकते हो. अगर आपके पास हार्डवेयर के बारे में नॉलेज नहीं है तो असेंबली लैंग्वेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते. मशीन लेवल कोडिंग, और आपको मशीन लेवल कोडिंग करनी पड़ती है जब भी आप मशीन लैंग्वेज मींस आप असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हो तो हमें असेंबली लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में और उससे भी पहले हमें मशीन लेवल कोडिंग करने की इसमें रिक्वायरमेंट होती है एंड देन हम इस पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. सो जो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. सो ये सब डिसएडवांटेजेस थी, इसी वजह से हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज आई और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आई जिसे हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज. Both machine and assembly language have following limitations such as machine dependent need of hardware knowledge etc. यानी कि अभी हमने देखा कि machine level language और जो हमारी assembly language है वो दोनों क्या है, machine dependent है, उनमें हमें hardware के बारे में knowledge की requirement है. So इन सब को overcome करने के लिए, time को save करने के लिए हमारी जो next language आई वो क्या है, high level language. High level language overcome all these limitations and provide machines independent language which do not deal with machine level coding. यानी कि ऐसी language हमें provide की गई जो machine independent है यानी कि जो machine पर depend नहीं करती और उसमें हमें hardware की knowledge होने की requirement नहीं है और ना ही हमें machine level coding पे time waste करने की जरूरत है. इतनी efficiency के साथ हम use कर सकते हैं जो हमारे time को भी save करेगा और machine से भी independent होगी. वो language क्या होती है, हमारी high level language. अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसे भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. सो जैसे हमने असेंबलर का यूज किया था असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में किस चीज का यूज किया जाता है, कंपाइलर का. इन हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लेवल लैंग्वेज. सो जो हमारी मशीन लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारी क्या है, कंपाइलर है. यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हाई लेवल जो लैंग्वेज है जिसमें हमें परफॉर्म करना है उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, कंपाइलर से कनेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो हम इजीली लिख सकते हैं, उसे हम किस चीज में चेंज कर सके, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर सके ताकि वो उस पर वर्क कर सके. अब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, फोर्टन है, बेसिक है, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल.
सो जो भी हम जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं जिसको हम कंपाइलर की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज की भी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। हमारी शुरू की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, मशीन पर डिपेंड करती थी, इसीलिए वो उनके डिसएडवांटेजेस थी। और ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की एडवांटेज है कि ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती, ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ईजियर टू लर्न एंड यूज, ये बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, हम इस पे इजीली इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, हमें प्रोग्रामिंग इजी होती है, तो ये हमारे लिए इजी टू लर्न एंड यूज होती है। वेरी फ्यू एरर्स, यानी कि इसमें बहुत कम एरर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, हम इसे ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। लो प्रोग्रामिंग कॉस्ट, यानी कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, कोडिंग करते हैं, सो उसमें जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आती, ये हमारी कॉस्ट फ्रेंडली एंड यूजर फ्रेंडली होती है। बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड ईजी टू मेंटेन, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है हम उसे ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करती है तो इसलिए हमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा ईजिली प्रोवाइड करती है, और हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से और बेटर कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ ही हमारी लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई। सो मशीन लैंग्वेज के बाद जब असेंबली लैंग्वेज आई तो वो और बेटर टेक्नोलॉजी की थी, और असेंबली लैंग्वेज के बाद जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो और भी बेटर टेक्नोलॉजी की है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, लोअर एफिशिएंसी एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा टाइम मींस हमारी एफिशिएंसी क्यों, क्योंकि हमें अब इसमें क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है इसका मतलब हमारे लिए फ्रेंडली है, पर कंप्यूटर क्या करता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, सो हमारा जो ट्रांसलेशन का टाइम है वो जाएगा, उसके बाद हमें उस ट्रांसलेशन को यानी कि कंपाइलर को हमें अफोर्ड करना होता है, फिर उसमें जो चेंजिंग होती है उसके उसमें जो टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है या फिर जो कॉस्ट लगती है, इसलिए ये कम एफिशिएंट है और लेस फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। अदर लैंग्वेजेस, अब तीन हमारी मेन लैंग्वेजेस क्या थी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा दो और लैंग्वेज हैं जो पॉपुलर है या फिर जो नई नई यूज हमने करनी स्टार्ट की है, वो हमारी क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसे हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, जो हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए लैंग्वेज विच इज यूज इन एल्गोरिथम, यानी कि इसमें हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को डालने के लिए। जब हम एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिथम का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लैंग्वेज। और हम इसी लैंग्वेज एल्गोरिथम के थ्रू कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, और इसमें भी हमारा एक ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें हम वर्क नहीं करते, एक यूजर क्या करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस एक रोबोट को दे देता है, और जो रोबोट है वो अपने इंटेलिजेंस से, यानी कि जो उनके अंदर हमने एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज डाल रखी हैं, उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, आगे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, और आगे वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक मशीन है, रोबोट भी मशीन है और कंप्यूटर भी मशीन है, सो वो एक डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम जो है हमारे बिहाफ पे रोबोट हमारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हमारी क्वेरी का आंसर निकालते हैं, वो हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस लैंग्वेजेस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।